संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले डेढ़ महीनों में प्रदेश में 3,332 संक्रमित मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं। इसी बीच राजधानी भोपाल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना के संदिग्ध लक्षणों से पीड़ित बुजुर्ग महिला को अस्पताल में बिना इलाज के ही लौटा दिया गया। महिला को तेज बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अशोका गार्डन के इलाके की रहने वाली 63 साल की संगीता शर्मा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो अशोका गार्डन के स्थानीय अस्पताल में दिखाने गई, जहां उन्हें जेपी अस्पताल जाने को कहा गया। संगीता का बेटा और बेटी लेकर उन्हें जेपी अस्पताल पहुंचे। संगीता ने बताया कि हम 1 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां स्टाफ ने कहा कि ओपीडी का टाइम खत्म हो गया है। हम इमरजेंसी भी गए, लेकिन वहां के स्टाफ ने ओपीडी में आकर दिखाने की बात कहकर लौटा दिया। अब रेड क्रॉस हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं। करोन से आए शकील खान ने बताया कि मेरी पत्नी की बच्चेदानी में दिक्कत है। डॉक्टर ने जांच करा कर आने को कहा था। सुबह आए लेकिन लाइन में लगे तो 1:15 बज गया। वही जब हमारा नंबर आया तो स्टाफ ने कहा कि टाइम खत्म हो गया है, मैडम चली गई हैं और अब कल आना। उन्होंने बताया कि पिछले 2 हफ्ते से वो डॉक्टर को दिखाने के लिए परेशान है। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 12 दिनों में 301 मरीज मिल चुके हैं। बावजूद इसके अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों के फीवर क्लिनिक पर कोरोना की जांच न होने से लोगों को प्राइवेट लैब में जांच करानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा 24 न्यूज। मना कर दिया पर्चा बनाने से, संगीता शर्मा इतनी क्या दिक्कत हो रही है? सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? ये मेरी मिसेस करता हूँ, सोनोग्राफी सिटी स्कैन का काम था। हाँ, खाली चेक कराना मैडम, तो देखने को कोई हाथ ही नहीं रखती है। कोई इसमें बचाने की प्रॉब्लम थी इनको। आज हम सुबह से आए हुए 10 बजे से, बस रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट लिया आकर देखी तब उठ गए। कल आना, तो जिनको अगर पैसे दे के फीस दो तो उसे ढंग से देखते, नहीं तो देखते ही नहीं।